सुन लो ईसाइयों, क्रिसमस मनाना पाप है। मैं कहता हूं क्रिसमस मनाना पाप है, आप ट्रांसलेट कीजिए। क्रिसमस मनाना पाप है, क्रिसमस मनाना पाप है। आप सोच रहे होंगे कि मैं टोपी पहनकर ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अभी एक दो दिन पहले किसी भाई ने मुझे टैग करके फेसबुक पर यह पोस्ट डाली। वहां पर एक पास्टर हैं, पता नहीं कौन है वो, उन्होंने टोपी पहन रखी है और टोपी पहनकर वो क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे क्रिसमस मनाना पाप है। बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा है सर, बाइबल में एक बात लिखी है जो आप गलती कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जरूर। देखिए क्या लिखा है, जो गलती आप कर रहे हैं, पाप आपने किया है, हमने नहीं किया। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय पहली आयत से मैं पढ़ूंगा, लिखा तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ, मसीह की सी चाल चलता हूँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें धारण करते हो। सो मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हरेक पुरुष का सिर मसीह है, हरेक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। ध्यान दीजिए, जो टोपी पहनकर सर को ढककर प्रचार कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि क्रिसमस मनाना पाप है, पाप वो कर रहा है, पाप वो कर रहा है। क्यों? यहां पर स्पष्ट रीति से लिखा है संत पौलुस ने, फिर से पढ़ देता हूं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। और मैं गुजारिश करता हूं उन भाई से जिन्होंने मुझे टैग करके फेसबुक पर यह पोस्ट डाली, और उन प्रचारक से भी जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि क्रिसमस मनाना पाप है। लिखा है पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, नोट कर लीजिए 4 आयत, जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वे अपने सिर का अपमान करता है। अपमान तो आपने किया है। क्रिसमस मनाना पाप है कहां बाइबल में लिखा है? पाप क्या होता है? सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है, अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी और वो आज्ञा थी 2 अध्याय में, यहां पर लिखा है उत्पत्ति 2 अध्याय में आज्ञा दी परमेश्वर ने आदम को, लिखा है 16 आयत में, उत्पत्ति 2 अध्याय की 16 आयत और 17 आयत, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फल ना खाना ये आज्ञा है, सर ढककर प्रार्थना या भविष्यवाणी नहीं करना ये आज्ञा है, क्रिसमस नहीं मनाना। कहाँ लिखा है पूरी बाइबल में आप मुझे बता दीजिए। मैं मानता हूं कि ये नहीं लिखा कि क्रिसमस मनाओ, लेकिन ये भी नहीं लिखा कि मत मनाओ। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहां पर अदन की वाटिका में क्या हुआ, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी आदम को कि जो वाटिका के बीच में जो वृक्ष है उसका फल तुम नहीं खाना, नहीं तो उस दिन तुम मर जाओगे। नहीं खाना मतलब आज्ञा है, लेकिन उन्होंने खा लिया और आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो ये होता है पाप। सर जी आप बाइबल को अच्छी तरह से पढ़िए और फिर चिल्ला चिल्ला कर बोलिए कि क्रिसमस मनाना पाप है। आप बाइबल को पढ़ते नहीं है, ऐसे ही आकर आप प्रचार करना शुरू कर देते हैं। बाइबल पढ़िए, पाप क्या होता है सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। पाप है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। तो परमेश्वर की तो आज्ञा पूरी बाइबल में है ही नहीं कि यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं मनाना है तुमने, ये पाप होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बहुत बड़ा कारण है। देखिए हम देखते हैं कि उत्पत्ति से लेकर मूसा तक, ध्यान से सुनिएगा, उत्पत्ति से लेकर मूसा तक कोई व्यवस्था नहीं, कोई उद्धारकर्ता नहीं, और मूसा से लेकर यीशु मसीह तक उद्धारकर्ता नहीं था लेकिन व्यवस्था थी, इसीलिए उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। यीशु मसीह से लेकर मुझ तक, आप तक कौन है? उद्धारकर्ता है हमारे पास, इसलिए हमारा जो न्याय है वो हमारे विश्वास के अनुसार होगा। तो आइए देखते हैं, जो उत्पत्ति से लेकर मूसा तक के लोग थे
उनका न्याय कैसे होगा? उनके पास तो एक बहुत बड़ी कारण है परमेश्वर को कहने का कि प्रभु देख, हमारे पास ना तो कोई उद्धार करता था, ना हमारे पास व्यवस्था थी, तो हमें तो तू स्वर्ग में भेज। लेकिन परमेश्वर कभी भी किसी को मौका नहीं देता। जब यीशु मसीह क्रूसीफाइड हुए तो गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच का जो दिन है, उस दिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अधोलोक में भेजा। आइए देखते हैं पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 18 पद और उससे आगे तक पढ़ूंगा मैं 21 पद तक। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए, धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न माना जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उत्पत्ति से लेकर मूसा तक उनके पास बहाना था, लेकिन परमेश्वर किसी को मौका नहीं देता। यहां पर यीशु मसीह ने जाके प्रचार किया और देखिए 4 अध्याय और उसके 6 पद में क्या लिखा है। लिखा है क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो पर आत्मा में परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। अब प्रचार हो चुका है यीशु मसीह के द्वारा उनके बीच में, तो न्याय के समय वो भी न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो क्रिसमस मनाना पाप नहीं है, टोपी पहनकर प्रचार करना ये गुनाह है। वचन में लिखा है कि जो पुरुष टोपी पहनकर या सर को ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सर का अपमान करता है। तो सर, अपना सर मत ढकिए, बिना सर ढके आप भविष्यवाणी कीजिए, प्रचार कीजिए, परमेश्वर का आदर कीजिए। आप बह गए, आप बह गए अपने भाव में और बहुत कुछ कह दिया आपने कि क्रिसमस मनाना पाप है। आप बाइबल में बता दीजिए कि कहाँ लिखा है कि क्रिसमस नहीं मनाना। अगर ये नहीं लिखा कि क्रिसमस मनाओ तो ये भी नहीं लिखा कि क्रिसमस मत मनाओ। नहीं मनाया, मैं मानता हूँ कि नहीं मनाया। प्रेरितों के काम की पूरी पुस्तक पढ़ लीजिए 28 अध्याय तक। जेलों ने कहीं पर भी यीशु मसीह के जन्मदिन को नहीं मनाया, उसकी मृत्यु का दिन नहीं मनाया, उसके जी उठने का दिन नहीं मनाया, वो अपने प्रचार में लगे रहे। तो यहां पर आप जो कह रहे हैं कि इस क्रिसमस मनाना पाप है वो गलत है। आप ऐसा प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि पाप क्या है सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है। आप बाइबल पढ़िए अच्छी तरह से। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो पाप में पड़ गए। और भी बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में जिन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया वो पापी ठहरे। हम भी जब आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो पापी हो जाते हैं। तो क्रिसमस नहीं मनाना बाइबल में नहीं लिखा है, क्रिसमस मनाना है ये भी नहीं लिखा है। तो ये आज्ञा तो हुई नहीं, तो फिर पाप कहां से हो गया? क्यों आप झूठा प्रचार कर रहे हैं? मैं आप सभी सुनने वालों से कहता हूं कि ऐसे झूठे प्रचारकों से बचें। और जिन भाई ने मुझे फेसबुक पर टैग किया था, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि ऐसे वीडियो शेयर ना करें जिससे कि भ्रम पैदा हो और गलत संदेश लोगों के पास जाए, गलत संदेश जाए। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इस सच्चाई को जान सके। परमेश्वर हर समय हर पल आपके साथ रहे, आपकी अगुवाई करे और आपको अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड।